बहुत दिनों पुरानी बात है, एक घने जंगल के एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला था जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था जो जन्म से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ उसके माता पिता ने उसे ताने देना शुरू कर दिया था। ये देखो कितना काला है, हमारी प्रजाति में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से हो गया? जी सही कह रहे हैं आप, पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था, इसके कारण हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। काश हमारा भी एक सुंदर बच्चा होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाए। इसी तरह दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जोड़े को बेसब्री से इंतजार था। हंस जोड़े को एक प्यारा सुंदर बच्चा हुआ जो बिल्कुल अपने माता पिता जैसा सुंदर था। ये देखो इसे कहते हैं सुंदर हंस, और उस काले को देखो, कोई देखे तो सोच में पड़ जाए कि हंस है या कुछ और। जी आप क्यों चिंता करते हो, हमारा छोटा बेटा इतना सुंदर है, अब हम अपना सारा लाड़ प्यार अपने सुंदर बेटे को देंगे। मम्मी पापा आप मुझे क्यों ताने देते रहते हो, मैं काला हूँ तो क्या मेरी गलती है? चुप कर, तेरे कारण सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। काला हंस रोते हुए आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर एक दिन जंगल में तोते राजा ने सभी पक्षियों के लिए दावत रखी। उसमें सब पक्षी अपने बच्चों के साथ आते हैं। अरे इस काले हंस के माता पिता पर हमें तरस आता है, एक बच्चा कितना काला है और वहीं दूसरा इतना सुंदर है कि उससे नजर ही ना हटे। तभी तोते राजा वहां आते हैं और काले हंस को देखकर, ये बेटा कितना काला है, ये तो तुम्हारे हंस समाज पर कलंक है, आज तक हमने ऐसा काला बच्चा हंस के यहाँ पैदा होते नहीं देखा। हाँ राजा जी, हमारी प्रजाति इतनी सुंदर और आकर्षित है जो सबको सुंदर लगती है। काला हंस सबकी बात सुनकर उदास हो जाता है। तो क्या हुआ अगर मैं काला हंस हूँ, ये जरूरी थोड़ी है कि सभी पक्षी एक ही जैसे हों और मैं बहुत सुंदर हूँ अपनी नजरों में। अरे बच्चे ज्यादा जुबान मत चला, एक तो तू काला है और साथ ही बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। माफ कर दीजिए महाराज, इस काले हंस ने तो पूरे समाज में हमारी थू थू करवा रखी है, अब हम चलते हैं। फिर काले हंस का परिवार घर चला जाता है। तूने तो मेरी नाक कटा दी है करम जले, तेरे चक्कर में हमारी हर जगह बेइज्जती होती है। हाँ इसने तो मेरा नाक ही कटा दिया। फिर वो अपने छोटे बेटे को कहते हैं, अरे अपने भाई को देख कितना सुंदर है, इसकी सुंदरता की वजह से सब लोग हमें कितना मान देते हैं, और जो तुझे देख ले हमें चार बातें और सुना देते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं काला हूँ, ये तो कुदरत का करिश्मा है और मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ। अब छोटा मुझसे सुंदर है और मैं काला हूँ तो इससे क्या फर्क पड़ता है, खून तो हमारा एक ही है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है, अपने बदसूरत होने का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ हाँ इसे हम घर से निकाल देते हैं, कम से कम हमारी बदनामी तो नहीं होगी, इसके कारण जो हम शर्मिंदगी झेलते हैं वो नहीं झेलनी पड़ेगी। हाँ वैसे भी इसके यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लिए ही अच्छा होगा, कोई हमें ताने भी नहीं देगा, लोग हमें इसकी वजह से बहुत ताने देते हैं, वो देखो काले हंस के माता पिता। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है मुझे निकालने की, मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाता हूँ, मुझे ऐसे भेदभाव वाले परिवार में रहना ही नहीं है जहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। और काला हंस वहाँ से चला जाता है और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगता है। उसके माता पिता के जंगल में एक बिल्ली आ जाती है और उसने उस जंगल के सारे पक्षियों को धीरे धीरे मार दिया, बस काले हंस की माँ बची थी। फिर जंगल के अन्य पक्षियों से काले हंस को ये बात पता चली। अरे भाई काले हंस, सुना है तुम्हारे जंगल में जालिम बिल्ली आ गई है और उसने सारे पक्षियों को अपना शिकार बना लिया है, बस कुछ ही बाकी रह गए हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो इस मुश्किल समय में मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा,
काला हंस उड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बेटा तेरे पापा और भाई को उस जालिम बिल्ली ने मार दिया। इतना कहकर वह रोने लगती है। ये देखकर काला हंस अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ आप चिंता मत करो, आपका एक बेटा अभी जिंदा है और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। चलो हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चलते हैं, वहाँ मैंने अपना एक छोटा सा घर बना लिया है। काला हंस अपनी माँ को ले जाने लगता है कि तभी जालिम बिल्ली वहाँ आ जाती है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि सिर्फ एक ही हंस बाकी है, पर यहाँ तो एक के साथ एक फ्री मिल गया। जालिम बिल्ली, मेरी माँ को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो पहले तुझे ही खा लेती हूँ काले हंस। फिर बिल्ली काले हंस के करीब जाने लगती है, पर तभी काले हंस के कुछ दोस्त उड़ते हुए आते हैं, बाज, चिंकी चिड़िया, और वो सब मिलकर जालिम बिल्ली को अपनी चोंच मारने लगते हैं। देख जालिम बिल्ली, आज तुझे तेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। कोई भी बिल्ली को माफ नहीं करता, और थोड़ी देर बाद जालिम बिल्ली मर जाती है, और काला हंस अपनी माँ को अपने साथ दूसरे जंगल में ले जाता है और उसे अपने साथ ही रखता है और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ भेदभाव किया था, मैंने तुझे नहीं समझा, ना तुझे कभी प्यार दिया, सिर्फ तेरे काले रंग को ही देखा, पर अगर आज तू नहीं होता तो मुझे भी वो बिल्ली मार कर खा जाती और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माँ, गलती सबसे होती है, पर अच्छी बात तो यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपकी सोच बदल गई कि काले और गोरे में कोई फर्क नहीं होता, सब एक समान होते हैं। उसके बाद काला हंस और उसकी माँ दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।